है, बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे बीच यहाँ पर आ रहे हैं द रियल लाइफ हीरो सोनू सूद जी, सुपरस्टार सोनू सूद जी। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ बोलिया। क्या बात है सर, सर सर। सर आपको पूरे बिहार की जनता की तरफ से नमन है। एक बार जोरदार तालियां, तालियां ये वाला नहीं चाहिए, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार तालियां हमारे रील और रियल लाइफ हीरो के सोनू सूद, जिनके इंतजार में आज ही नहीं सिर्फ आज सुबह से नहीं कई दिनों से तमाम पुण्यवासी लगे हुए हैं कि आप आ रहे हैं और आपकी एक झलक पाने के लिए आप देख सकते हैं इनकी आंखें। और सर जब तक मानवता रहेगी आपका नाम रहेगा। हीरो तो बहुत होते हैं लेकिन आपने हर एक ट्वीट पर आप लोगों तक पहुंच जाते हैं, एक ट्वीट पर आप हर उस गली तक पहुंच जाते हैं जहां हम लोग को पता नहीं होता कि अच्छा आसपास ये गली है, इनको इनकी मदद की जरूरत है। तो द रियल हीरो सोनू सूद के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन। और पूरा हॉल हमारे साथ गाएगा सोनू सूद, कम ऑन, सोनू 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 अरे ऐसे ही थोड़ा कहते हैं, एक बिहारी सौ पे भारी। मैं आपको बताता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा बिहार से ना बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग नागपुर में कर रहा था, तो मैं पंजाब से था लेकिन मेरी दोस्ती सब बिहार वालों से थी। और आज भी इस प्रोग्राम में वो सब लोग आए हुए हैं, कोई पूर्णिया से था, कोई आरा से, कोई सीतामढ़ी, कोई पटना, वो सब लोग आज भी आए हुए हैं। और जब अक्सर कॉलेजेस में उस समय झगड़े वगड़े होते रहते थे, तो जब पंजाब का बिहार का किसी का झगड़ा होता था, मैं बिहार वालों के साथ खड़ा रहता था और पंजाब वाले बोलते रहे तो पंजाब वाला बिहार वालों के पास क्यों खड़ा हुआ है, तो मैं बोलता था यार क्या करूं भैया, दोस्ती है। तो बिहार से रिश्ता मेरा कॉलेज के पहले साल से जुड़ा हुआ है और आज जब आपके साथ आया हूं तो लगता है कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ था यू नो जिंदगी के अंदर कि बिहार से वो रिश्ता है और आज वापस आपके पास लेकर आया है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और जब भी मैं जाता आपसे कहता जरूर हूँ पंजाबी, लेकिन अंदर से बिहार बहुत बसा हुआ है दिल के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। और सर के बारे में बताऊं कि सर जो है इनका बैकग्राउंड काफी पढ़ा लिखा है, चूंकि ये विद्या का मंदिर है, माताजी प्रोफेसर हैं, बहन साइंटिस्ट हैं, खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिल्मों के बाद तो आप जानते ही हैं क्या कर रहे हैं। तो एक पढ़े लिखे होनहार एक्टर जो रील से निकलकर रियल लाइफ के हीरो बन चुके हैं यार, कम ऑन। वो देखो हमारे बिहार के लोग खड़े हुए हैं, सब जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मतलब थे मेरे कॉलेज में, पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई कम करते थे लेकिन रूम पार्टनर से, तो आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये रिश्ता है बिहार से, बड़ा अच्छा लगता है भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मुझे यू नो ऐसे लोग मिलते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, खासकर जब मेरी इस प्रोग्राम में आने की जब बातचीत हुई और सबसे पहले यही हुआ कि किस तरह जरूरतमंद जो लोग हैं उनको चुना जाएगा पढ़ाई के लिए, तो मकसद यही है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई, चाहे वो पहली कक्षा में पढ़ता हो या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, पैसे के कारण पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हमारा वादा है, चाहे कहीं का भी हो। क्या बात है। सो अगर आपके भी किसी भी शहर के, किसी भी तबके, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में आपको लगे कि कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, चाहे वो किसी भी जगह का हो, तो आप प्लीज हम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, हम वादा करते हैं कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी कभी। और सर आप तो बिहारी हैं, दो लाइनें हम बिहार के लिए कहते हैं कि सर हम अपनी मेहनत के दम पे कुछ भी कर जाते हैं, हम अपनी मेहनत के दम पे कुछ भी कर जाते हैं, लगन ऐसी कि पहाड़ को काट कर रास्ता बनाते हैं, तब एक मिनट बस तब ध्यान ज्ञान से महावीर बुद्ध आर्यभट्ट बन जाते हैं, राजा अशोक चाणक्य गुरु गोविंद सिंह जी बन लोगों को राह दिखाते हैं। हाँ हाँ वही हैं जो बिहारी कहलाते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने दोस्त मेरे भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इन्होंने जब मुझे बताया
कि इस इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा मकसद है लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, लोगों की मदद करना, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़ाना और उन्हें सही मार्गदर्शन करना। तो मुझे लगा ऐसी सोच वालों के साथ तो जुड़ना बड़ा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच विदेश जी एवरीवन कि आज मुझे आपने इस परिवार का हिस्सा दिया। और मैं आपसे इस मंच पे कहता हूँ कि आप तो मुझे पता ही, आप सब लोग बहुत कमाल का काम करते हैं, पर मेरी तरफ से भी हमेशा जब भी जितने बच्चों को पढ़ा सकूं आप मुझे प्लीज बोलेगा, मैं आपका जरूर इसमें जुड़ूंगा आपके साथ। और सर इस स्कूल के बच्चे ने यूपीएससी में 41वां रैंक लाया है, शुभम। शुभम हमारे साथ है। पहले साल भी शुभम नाम का एक लड़का जो यूपीएससी जिसने क्रैक की थी और ये शुभम हमारे बीच है यहां पर। यही का लड़का है सर, यही का पढ़ा लिखा और 41वां रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कंग्रेचुलेशन शुभम यार, ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे शुभम हैं यहाँ पर जो यू नो ऐसे ही बिहार का नाम करेंगे। गॉड ब्लेस यू मैन, थैंक यू सो मच। सोनू सर, ये शुभम के लिए सम्मान है आपकी तरफ से। हालांकि रूल तो है सबसे पहले हम सम्मान करेंगे, लेकिन चूंकि आप बिहारी हैं सर तो पहले इस बच्चे को सम्मान कर रहे हैं आप। तालियां बजनी चाहिए, कम ऑन यार, अब बतावा पड़ेगा सब बात। अब सोनू सर मैं चाहता हूं दो मिनट आप बैठे, हमारी स्वाति शर्मा जो कि बॉलीवुड और इस पूरे ग्रुप के जो फाउंडर हैं रमेश चंद्र मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं श्री श्री दुर्गा पूजा समिति। बहुत एक बार जोरदार तालियां आपके इस भव्य आयोजन के लिए, कम ऑन पूर्णिया की जनता, कम ऑन। सर श्री राजेश चंद्र मिश्रा सर जहां भी हो कृपया करके वो स्टेज पे आए। राजेश चंद्र मिश्रा सर, तालियां बजती रहनी चाहिए, ये शुभ कार्य हो रहा है। फोटो सामने खींचने वाला ये चूंकि एक मोमेंट जो है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम रियल लाइफ हीरो से बहुत मिलते हैं। बहुत कम ऐसे हीरो होते हैं जो रियल और रियल दोनों के हीरो होते हैं। सोनू सूद सर जो है वो है जो खुद में ही एक उजाला है और इन्होंने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की, और सिर्फ एक ट्वीट से, एक मैसेज से, एक व्हाट्सएप से। और जब मैं कोविड के बाद इनका इंटरव्यू कर रहा था तो इन्होंने कहा था कि विजेता इतने मैसेजेस रहते हैं कि व्हाट्सएप मेरा हैंग ऑल रहता है, जहां मैं देखता हूं उधर सारे मैसेजेस। और मेरी टीम कोशिश करती है कि सब लोगों तक पहुंचे, हम सब लोगों को हेल्प करें। तो सर हैट्स ऑफ टू यू भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए और एक बढ़िया फोटो भी। हमारे जितने भी गेस्ट हैं मंच पर आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं आपसे। और सर सोनू सूद सर को मैं बताना चाहूंगा सर ये ऑडिटोरियम बहुत ही भव्य है, इस तरह का बहुत ही कम ऑडिटोरियम आपने भी देखा होगा। और पूर्णिया जैसा एक फोटो के लिए सर, सारे लोग फोटो के लिए सामने आ जाएं प्लीज। सेल्फी वाले अगर एक मिनट रुक जाएंगे तो फोटो सामने वाला अच्छा आ जाएगा। सेल्फी वाले बस दो मिनट के लिए, चूंकि लोग हैं आप सामने सब लोग देखें। अपनी जगह पर बैठे। और रमेश सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर के लिए मंच पर रुके। आज का ये जो पूरा आयोजन है इसके पीछे जिनका श्रेय है वो रमेश सर है हमारे बीच यहाँ पर मंच पर बैठे हैं। उनके लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी कि जिन्होंने ना जाने कितने ही ऐसे छात्र हैं जिसकी नींव नींव को छात्रों के रूप में मजबूत कर रहे हैं। सो फॉर अस इट इज एन ऑनर, हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है। सोनू सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बैठें। रमेश सर खुद बाकी बहुत खुश हैं कि रमेश सर के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि इट इज विद ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर दैट वी अनाउंस मिस्टर रमेश चंद्र मिश्रा एज द रिसिपिएंट ऑफ दिस द प्रेस्टीजियस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस।
This award jointly presented by Sue Charity Foundation and News Nation Media Private Limited recognizes Mr. Mishra's dedication and tireless efforts in improving access to quality education and promoting social welfare. Through the establishment of Vidya Vihar Group Institutions, Mr. Mishra has transformed the lives of countless students, providing them with the tools and resources needed to achieve their dreams and serve their communities. His commitment to excellence and his unwavering passion for education have inspired generations of learners to pursue their passions and strive for success. Moreover, Mr. Mishra's installation of sanitary pad dispensers and insanitaries at 280 public locations across Bihar showcases his deep understanding of the needs of girls and women in his community. His efforts to promote menstrual hygiene and access to essential resources have been critical in empowering women and promoting gender equality. Wow. Mr. Ramesh Chandra Mishra's contribution to education and social welfare have left an indelible mark on his community, and his impact will be felt for generations to come. It is with deep admiration and respect that we present him with this award and celebrate his remarkable achievement. So, ladies and gentlemen, a huge round of applause for Ramesh sir. हमारे लिए ये guardian है, guardian है. आपने guardian के लिए एक बार खड़े होकर इनके आदर और इनके सम्मान में हम जरूर ताली बजाएं. बिल्कुल. क्योंकि वाकई पूर्णिया की बेहतरी के लिए ये इतना कुछ कर रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और सोशल वेलफेयर में इनके इतने सारे एफर्ट्स हैं जिसके माध्यम से समाज का भला हो, सोसाइटी का भला हो. नोबेल कॉज के लिए दिन रात खड़े हैं और ऐसे ना जाने आप जैसे लाखों बच्चों का भविष्य बनाकर इस देश को मजबूत कर रहे हैं, इस देश की आधारशिला को आप मजबूत कर रहे हैं, इस देश के स्तंभ को मजबूत कर रहे हैं. तो रमेश सर जैसी शख्सियत को हम नमन करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और न्यूज नेशन और सू चैरिटी फाउंडेशन ने ये फैसला किया, जो प्रेरणा ने पढ़ा वो यही है कि रमेश सर ने जो खड़ा किया है पूरा इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं देता है बल्कि उन गरीब बच्चों की भी मदद करता है जो ड्राउन प्रोडेंट सोसाइटी से आते हैं, जो थोड़े पिछड़े हैं, और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है. साथ ही साथ जैसे प्रेरणा ने बताया कि महिलाओं की, चाहे गरीब बच्चों, सारे लोगों की मदद करता है ये फाउंडेशन. इसलिए सोनू सर के फाउंडेशन ने और न्यूज नेशन ने ये फैसला किया है कि सबसे पहले वो रमेश सर को सम्मान दें, और ये वाकई इस काबिल हैं क्योंकि इन्होंने पूरी पूर्णिया के इतिहास को बदल दिया है. और एजुकेशन जो होता है वो एक घर को बदल देता है, पूरे परिवार को बदल देता है. तो एक बार जोरदार तालियां रमेश सर के लिए, बहुत जोरदार तालियां. आप खड़े होकर तालियां बजाएं, ये आपके अपने हैं और इन्होंने जो नेक काम किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है, अद्भुतम है, गजब, अद्भुत. और ये जो हम शुक्रिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम मेंबर से कि सर को पकड़ कर नीचे की ओर ले जाएं. और ये वाकई ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में सारे लोग बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, खुद बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो समाज में लोगों की मदद करना चाहते हैं. तो सर प्लीज आप बैठ जाइए सर, कि वो कुछ कमाल कर रहे हैं. तो मैं बारी बारी से नाम बुलाऊंगा, उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा. जी मैं श्री राजेश चंद्र मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी आप आए, सेक्रेटरी हैं विद्या विहार स्कूल के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए, जिन्हें सोनू सूद जी के हाथों के द्वारा अवार्ड दिया जाना है. पल्लवी मैम भी प्लीज आ जाए. पल्लवी मिश्रा मैम कहाँ हैं आप? आ रही है मैम, भी आ रही है काफी. आप भी आ जाओ. और इनकी प्यारी सी ये बेटी है, बच्ची
मंच पर आ रही है। बाकी इस पूरे आयोजन को, इस पूरे आज के इस इवेंट को मुकम्मल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज आपके बीच जो हमारे रियल हीरो हैं, सुपरस्टार सोनू सूद जी जो खड़े हैं इसके पीछे, इनका बहुत बड़ा श्रेय, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कई महीनों से जिसकी तैयारियां चल रही थी और आज फाइनली वो पूरा हुआ है सपना। आज हमारे बीच जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरत से मौके के लिए, इस खूबसूरत से क्षण के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी से, डायरेक्टर हैं ब्रजेश, और कात्यायनी मिश्रा जी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप डायरेक्टर हैं ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स का। ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी कोशिश है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में, इनका बहुत बड़ा योगदान है, और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप मंच पर आए। ब्रजेश सर प्लीज आए। मैम ये सर सर ये शॉल है। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री कर्तव्य कुशाग जी, डायरेक्टर हैं ब्राइट करियर स्कूल के, आपसे रिक्वेस्ट आप मंच पर आए। एक एजुकेशन मेंटोर के हाथों द्वारा जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं आज उन्हें सम्मान मिल रहा है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं, अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। हम सभी को सपोर्ट की जरूरत होती है और सोनू सर का हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों के लिए हमेशा से सपोर्ट मिलता आ रहा है। मैं श्री कर्तव्य कुशाग जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप डायरेक्टर हैं राइट मोमेंटोस लेकर मंच पर आए। और हमारे बीच है कर्तव्य कुशाग, मैं श्री नवीन यादव जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। आप सोशल वर्कर हैं, समाज की बेहतरी के लिए नोबेल कॉज कर रहे हैं और अपना एफर्ट दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कि आप मंच पर आए। और आपको रोल मॉडल है जो हमारे लिए, सोनू सर हमारे बीच है, उनके हाथों द्वारा आपको सम्मान दिया जा रहा है। और उसके बाद मैं डॉक्टर बी एन कुमार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, डायरेक्टर गैलेक्सी हॉस्पिटल पूर्णिया जी, के माध्यम से ना जाने कितने ही ऐसे मरीज हैं जिनको आप नई जिंदगी दे रहे हैं, उन्हें नया जीवन दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। और अगर जी पहले अगर बता देंगे और वो तैयार रहेंगे तो समय हमारा जो है वो थोड़ा बच जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो है प्लीज आए सर, डॉक्टर इफ्तिकार आलम, डॉक्टर सहवाज करीम, डॉक्टर हरिशंकर, आप तीनों ही हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आए। डॉक्टर इफ्तिकार आलम, डॉक्टर सहवाज करीम, डॉक्टर हरिशंकर, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो अगले गेस्ट है वो तैयार रहे ताकि समय बच पाए और हम अपने आगे का जो आयोजन है हम उसे आगे की ओर लेकर चले। नेक्स्ट जो है मैं डॉक्टर सुजीत प्रसाद से रिक्वेस्ट करूंगी, वो आप सर सर मिसेस भामा प्रसाद, सुजीत प्रसाद, सुजाता प्रसाद, क्रिश एंड स्नेहा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेकिंग इंडिया से आप जुड़े हुए हैं, इंडिया फाउंडेशन हैज
started to sponsor bright talent students. आप bright talented students के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, अपने efforts दे रहे हैं. आपसे request है कि आप मंच पर आएं. Mrs. भामा प्रसाद, Mr. सुजीत प्रसाद, सुजाता प्रसाद जी. Thank you. कृष्ण स्ने. और उसके बाद आप तमाम लोग सोसाइटी में एजुकेशन के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं. क्या बात है, बहुत ही भावुक क्षण, बहुत ही बेहतरीन. आप कैंसर जैसी एक भयानक भयावह बीमारी जिसको जिसका नाम सुनते ही हमारे भीतर एक डर आ जाता है, आप इस रोग से जितने भी तमाम रोगी हैं, लड़ने वाले हैं, उनके लिए आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा हो पाए आप उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वाकई में बहुत ही एक शानदार काम है जो समाज की बेहतरी के लिए किया जा रहा है आपके द्वारा. हम आपको सल्यूट करते हैं सर. और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी श्री रवि प्रकाश सर से कि आप मंच पर आएं. श्री रवि प्रकाश डायरेक्टर हैं डिस्कवरी आईएएस के. जी थैंक यू. आप थैंक यू सो समय हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, समय थोड़ा लिमिटेड है सर. ठीक है. बीपीएससी रवि जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मंच पर आए. रवि सर, बीपीएससी और अंत प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी के क्षेत्र में आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है और आप कई हजारों बच्चों का जो है आप बच्चों की नींव आप मजबूत कर रहे हैं. सर थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, थोड़ा सर आप थोड़ा सा समझे हमारे पास लोग हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच क्लियर करें ताकि हमारे जो अगले अतिथि हैं वो भी मंच पर आ पाए. हमारे पास समय की सीमा है और सभी सोनू सर को सुनने के लिए ईगर है, आतुर है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप कुमार को, डायरेक्टर है मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल के. न्यूरो से संबंधित आपके शहर में जो बेहतरीन कार्य हो रहा है वो आपके द्वारा किया जा रहा है. थोड़ा सा समय दिया जाए. अब मैं श्री रुपेश सिंह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए. अध्यक्ष है बियादा इंडस्ट्रियल पूर्णिया के अध्यक्ष आप डायरेक्टर हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए श्री रुपेश सिंह. और उसके बाद हम अगले जो हमारे गेस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तैयार रहे. वो है श्री अमित कुमार यादव जी, डिजिटल मार्केटिंग के उभरता हुआ एक चेहरा. जी हाँ, आज पूरी दुनिया में जिनका डिजिटाइजेशन हो चुका है उसी का बूम है. हम सभी इसके महत्व को फटाफट आ जाए. श्री अमित कुमार यादव जी आपसे रिक्वेस्ट है आप आए. और अगला जो नाम है हमारे अगले रिक्वेस्ट है वैभव विकास जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए. इन्होंने जिन्होंने ब्राइट करियर स्कूल से 10th की परीक्षा 98% अंक लाकर पास किया है और जिला का नाम रोशन किया है और राज्य का, ना सिर्फ जिला का नाम रोशन किया है, इन्होंने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है. वाकई में आपका काम सराहनीय है. श्री वैभव विकास जी, आपने ब्राइट करियर स्कूल से 10th की परीक्षा 98% अंक लाकर पास किया और पूरे जिला का आपने नाम रोशन किया है. वैभव विकास, ऐसे होनहार बच्चों के लिए तो जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए. कई घंटों की मेहनत होती है, कई महीनों की मेहनत होती है, तब जाके परिणाम कुछ ऐसा निकलता है. और आखिरी नाम और जो भी हमारे गेस्ट हैं मंच पे आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है आप मंच क्लियर करें, स्टेज क्लियर करें ताकि हमारे अगले गेस्ट आ पाए. आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी आपको बाद में काफी वक्त मिलेगा. सर थोड़ा सा वैभव विकास हमारे साथ मंच पे है. इस होनहार स्टूडेंट ने 10th की परीक्षा में 98% लाकर पास किया है और जिला का नाम रोशन किया है. गेस्ट जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं मंच पे आपसे एक बार मैं फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली आप मंच तुरंत आप छोड़ दें ताकि अगले गेस्ट जो हमारे वो मंच पर आ पाए. और अवार्ड्स हैं और श्री वीरेंद्र कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट है कि 51,000 चेक अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा भोजन सोनू सूजी के संस्था के नाम के साथ चलाकर आप देते हैं. आपने ये प्रयास किया है, वाकई में ये प्रयास बहुत ही कमेंडेबल है और सराहनीय है. हम आपका स्वागत करते हैं मंच पे. श्री वीरेंद्र कुमार जी आप मंच पर आए. वीरेंद्र कुमार जी पहले भी सोनू सूजी से
मुंबई जाके मुलाकात किए थे और उनके नाम पर सोनू सूद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, जो वैसे गरीब बच्चे हैं, जो आप कह सकते हैं कि सड़कों पे रहते हैं, बाजारों में भीख मांगने का काम करते हैं, वैसे बच्चों को कलेक्ट करके वो अपने यहाँ आप उनको शिक्षा, रोजी रोटी, मकान सब मुहैया कराते हैं। और उनके इस काम को देखते हुए हम लोगों ने 51,000 रुपए का जो चेक है उनको प्रोत्साहन के तौर पे दिया है कि वो बच्चों का ख्याल रखें, और जब भी होगा ऐसा मौका तो हम लोग जरूर ऐसे कामों में उनको सहयोग करेंगे। जी, बहुत ही सराहनीय काम, आ जाए आप मंच पर। और ये खुद सर के संस्था से हैं और यहाँ पे एक स्कूल चला रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो थोड़े से गरीब हैं। और सभी बच्चे पीछे हैं, आ रहे हैं बारी बारी से, काफी एक्साइटेड हैं, जाहिर सी बात है। और ये बहुत ही नेक काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है। अपने लिए यहाँ हर इंसान खुद के लिए जी रहा है, लेकिन औरों के लिए जीने में जो मजा है, जो सुकून है, आप महसूस कर सकते हैं इस मंच पर। ये वो तमाम लोग जिन्होंने औरों की जिंदगी को बेहतर और सरल बनाने के लिए दिन रात कोशिश की है, दिन रात प्रयास किया है। और हमारे बीच एक और ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, श्री यशोधर मिश्रा जी। आपसे रिक्वेस्ट है आप भी मंच पर आएं, श्री यशोधर मिश्रा जी। और ये वो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें वो तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलती, ये सबसे काबिले तारीफ की बात है। मैं ऐसे हीरोज के लिए को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, चाहूंगी कि इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। आप देख सकते हैं ये जो बच्चे आ रहे हैं मंच पर, इनके पास सुविधा का अभाव है, लेकिन इन्हें एक ऐसे ऐसे सोनू से जैसे और ऐसे मसीहा मिले जिन्होंने इनके जीवन को बदलने की, नई दिशा देने की कोशिश की है। सभी बच्चों से और इतनी बड़ी बात है कि सर को मालूम नहीं है, मतलब यहाँ तो मालूम है, कुछ ऐसे स्कूल से जो सर के नाम पे चल रहे हैं, सोनू सूद इंटरनेशनल स्कूल इसका नाम है, और इसमें ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो आगे आके उम्मीद है कि ये भी यूपीएससी क्रैक करेंगे और एक बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, या फिर जिस जिंदगी में जाना चाहते हैं जाएंगे। कमाल, अद्भुत। और अधिकतर लोगों की जो बाल कटिंग है वो एक ही तरह की लग रही है एकदम, ये भी कॉमन लग रहा है इन सबने, बहुत बढ़िया। क्या बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, क्या बात है, अद्भुत। तो जब तक बच्चा बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक सोनू सूद सबको पढ़ाते रहेंगे, गंदा उड़ाते रहेंगे। कमा, और ऐसे जज्बा, ऐसे जज्बों, ऐसे हौसलों के लिए हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, मन में लिए फौलादी विश्वास, बढ़ रहे हम एक होकर रचने नया इतिहास। तो वाकई में वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं बेंगलोर से पढ़ाई कर रहा था, होंडा कंपनी में जॉब कर रहा था। मैं जब कोरोना काल में सर सभी को, लाखों बिहारी को बिहार पहुंचाने के जब काम कर रहे थे, इनसे हमको बहुत ज्यादा सीख मिला जो आज तक जीवन में कभी नहीं मिले। मेरे तो फादर नहीं है, मेरे फादर कभी डेट कर गए और बेंगलोर में जॉब भी छोड़ दिए। उसके बाद बहुत बच्चे को देखा कि भीख मांग रहा है, कचरा चुन रहा है, और आदमी 2 रुपया 1 रुपया दे रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, उसका कुछ होगा नहीं। और ये बच्चा जब भीख मांग रहा, अभी तो भीख मांग के बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, मगर जब बड़ा होने के बाद वो भीख नहीं मांगेगा, वो क्राइम का रास्ता चुनेगा, वो फाइनल है क्राइम का रास्ता चुनेगा ही। और क्राइम को हम दूर करने के लिए ही जो बच्चे कचरे चुन रहे थे और भीख मांग रहे थे, उसे से बच्चे को हम पढ़ाने का काम करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस जज्बे के लिए, इस हौसले को हम सलाम करते हैं। मैं यही सबसे कहना चाहूंगा कि ऐसे हीरोज हमारे देश में और चाहिए। लेकिन भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी आपके स्कूल में 125 बच्चे हैं, अगर 1250 हैं, 12,050 भी होंगे, तो आप ये सोच लीजिएगा कि सोनू सूद हमेशा इनके लिए खड़ा रहेगा। बोलते रहे, हम लोग करते रहेंगे। और ये जो स्कूल है, ये सिर्फ कटिहार में नहीं, बिहार के हर जिले में होना चाहिए, ताकि किसी की पढ़ाई ना रुके। गॉड ब्लेस यू मैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, एक हम लोग का पिक्चर लेंगे, आप ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, एक आ जा, बैठ जा, आ जा, एक जाना ऐसे घूम जा बच्चे, एक जाना ऐसे, ओए हीरो आ जा।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब भारत माता की, भारत माता की। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यशोधर मिश्रा जी आपका नाम अनाउंस किया था, मंच पर आ चुके हैं और उनको सम्मान करने के लिए पंकज नायक और संतोष नायक जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी मंच पर आ जाएं। अभी हमारे बीच मंच पर यशोधर मिश्रा जी हैं, आप भी और अभी आपका सम्मान हो जाने जाते हैं और सर ने फोटो खिंचवा लिया, सोचा कि सम्मान हो गया। सर आपके लिए सम्मान भी है सर, प्लीज सर फोटो खिंचवा के सर अपना निकल रहे थे आराम से कि अब तो मेन काम हो ही गया है। ये सर आपके लिए। नायक जी, नायक जी को बुलाया जी। सर संतोष नायक जी आपसे रिक्वेस्ट, आप भी मंच पर आए। और ये तमाम, ये वो तमाम लोग हैं जो सोसाइटी समाज को अपने अपने स्तर से बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तिवारी बाबा महाराज जी भी हमारे बीच हैं। हाँ, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे आप मंच पर आए। अगर आपको आने में असमर्थता है तो किन्हीं टीम मेंबर्स रिक्वेस्ट कि उन्हें पकड़ लें। तिवारी बाबा, सर ये सॉल है सर, बाबा है। ये बुके ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स के जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, आप अब आप तैयार रहे। एक ग्रुप फोटो तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सोनू सर आपसे रिक्वेस्ट है आप बैठ जाएं। विजयानंद रॉय जी, प्रदीप घोष जी, अशीम कुमार, सोनू सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये लोग हैं आप उन्हें एक बार उन्हें भी सम्मान करें। मंच पर आ चुके हैं, ये ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स के साथ एसोसिएटेड है, कई लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सभी बारी बारी से आगे आ जाएं, सभी जितने भी ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स के लोग हैं उनके साथ एसोसिएटेड जिन लोग हैं, जिनके नाम मैंने बुलाए, आपसे रिक्वेस्ट है आप आ जाएं। ब्रजेश ऑटोमोबाइल हमेशा से बेहतरीन काम करता रहा है और अर्चना जी और शतप्रकाश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। राकेश सिन्हा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। रहमान जी, मैं जिनके नाम ले रही हूँ आप काइंडली मंच पर आए। रहमान जी आप भी मंच पर आए। सनी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। और माधव एक प्यारा सा बच्चा है, बहुत एक्साइटेड है, वो मंच पर ही है ऑलरेडी। कृष्णा जी आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। सभी बारी बारी से आए। अशीष आप तैयार रहे और आप जो अवार्ड्स है मोमेंटो है उसे लेकर आप तैयार रहे।
बताइए कौन है। अभी राजीव जी हैं और ये माधव है, ब्रजेश भी आए हैं, उनका बेटा है ये प्यारा सा। बहुत समय से एक्साइटेड था सोनू सर से मिलने के लिए, फाइनली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू इसके लिए। इसके चेहरे की स्माइल बता रही है। अविनाश मिश्रा जी हैं और उनकी धर्मपत्नी साथ में। हाँ मिस्टर अविनाश जी, अविनाश जी हैं और उनकी प्यारी सी बिटिया, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर। सोनू सर के हाथों से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। जिन रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी जिनको अवार्ड मिल गया है वो काइंडली मंच क्लियर कर दे ताकि ये मंच पे क्योस ना क्रिएट हो। आसिफ मुखर्जी जी हैं और अर्चना जी उनकी धर्मपत्नी मंच पर। सोनू सर के हाथों से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है और क्या चेहरे पे स्माइल है मैम के, समझ सकती हूँ। मनीष जी आपसे रिक्वेस्ट, आप जाएं अपना अवार्ड लें। प्रदीप फटाफट आ जाए। प्रदीप घोष जी, आपने अगर अवार्ड लिया है तो अच्छी बात है और नहीं लिया है तो आप मंच पर आए। प्रदीप घोष जी, बाकी सारे और फाइनली केक कटिंग के लिए मैं चाहूंगी कि अच्छा दो लोग और बच गए भाई, ये सुबह से लगे हुए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनका तमाम लोगों के योगदान से ही, उनके एफर्ट से ही पूरा आज का ये इवेंट सक्सेसफुल हो पाया है। शशि जी हैं, शशि रंजन जी, और अब मैं केक कटिंग भी है, कोई और छूट गया है। और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सा एक केक है, मनीता ठाकुर जी हैं। और हम विमेन एम्पावरमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं, हर क्षेत्र में जब महिलाएं बेहतर कर रही हैं तो ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स वहां भी इनका परचम बुलंद है और बुलंद रहेगा। और 55,555 गाड़ियां 2008 से 2023 तक, क्या बात है, मतलब सिर्फ बेची नहीं गई हैं, प्यार से सौंपी गई हैं ये सारी गाड़ियां। और रिलेशनशिप 55,555 रिलेशन जिंदा किए हैं ब्रजेश ऑटोमोबाइल ने। तो सोनू सर 55,555 वाकई में एक बहुत ह्यूज नंबर है और अपने कोशिश से, अपने एफर्ट से आज इन्होंने ये मकाम हासिल किया है और यही इसी डिजाइन का ये केक है जो आज यहाँ सब मिलकर कट करने वाले हैं। थैंक यू सोनू सर। सोनू सर और सारे लोग प्लीज का एक 55,555 गाड़ियां सर 2008 से 2023 तक। और हेफे फुर्रे तो हो ही रहा है लेकिन कुछ धुरंधर भी बाकी हैं जो ब्रिलियंस फेस्ट का हिस्सा हैं और अवार्ड जीता है और जिसके लिए सोनू सर आए हैं ब्रिलियंस फेस्ट के लिए। सूद चैरिटी फाउंडेशन ग्रुप ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे रत्नों को खोजा जो कमाल के हैं, जिनके अंदर बहुत टैलेंट है और उन सारे लोगों को, हेलो, उन सारे लोगों को सर जो है वो सम्मानित करने वाले हैं। तो मैं बारी बारी से उन लोगों का नाम लूंगा। ब्रिलियंस और ये अद्भुत फोटो, भाई तालियां बजती रहनी चाहिए मित्रों, कमाल। और स्टेज क्लियर करें आप ताकि जो हमारे अगले अवार्डीज हैं जिन्हें अवार्ड दिया जाना है वो भी आप आए मंच पर। जी तो अब बारी है बच्चों की जिन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया है और जिनके लिए सोनू सर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो प्लीज मंच से थोड़ा पीछे हो जाएं, खाली कर दें मंच, क्लियर करें आप। लास्ट में म्यूजिशियंस के साथ एक फोटो ले लेंगे सर। तो मैं बारी बारी से स्टूडेंट्स का नाम लूंगा, प्लीज आएंगे और उनके लिए स्कॉलरशिप भी है और सर उसी चीज के लिए आए हैं तो सारी चीजें तैयार रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कृति श्री का, जो कि जिनका रोल नंबर है
11,963 नंबर वन रैंक लाया है इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में विद्या बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 8.47 CGPA के साथ ब्रांच टॉपर है ये VVIT की। तो मैं इनको